हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नीलम शर्मा, हेयर एंड मेकअप आर्टिस्ट। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम वीडियो लेकर आए हैं कि आप एंगेजमेंट के लिए लहंगे पे, गाउन पे किस तरह से ओपन हेयर स्टाइल में, अगर किसी के शॉर्ट हेयर हैं उन्हें लॉन्ग दिखाने के लिए किस तरह आपको पौनी करनी है। बहुत सारे ट्विस्ट में हेयर स्टाइल में लेकर आई हूँ, तो आप ये इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बहुत कुछ आप सीखने वाले हो तो लास्ट तक बने रहिएगा। और आप शॉर्ट हेयर में भी ये कर सकते हो। और पौनी के थ्रू क्या होगा कि आपके कितने भी शॉर्ट हेयर हों, अगर हम एक ही पौनी बनाते हैं तो वो शॉर्ट हो जाती है। देन आज हम बहुत सारी पौनी बना के आपको हेयर स्टाइलिंग, आपको ये भी नहीं लगेगा कि हमारे बिखरे बिखरे हेयर हैं। तो आप देख सकते हैं जो हम सेक्शन फ्रंट का निकाल रहे हैं वो वी सेक्शन निकाल रहे हैं, ठीक है। जो हमारा बॉब सेक्शन होता है ना, वहाँ पे हम वी सेक्शन निकाल रहे हैं। तो सेक्शनिंग आप अच्छे से देखोगे, क्योंकि सेक्शनिंग निकालने पे जब हम कंप्लीट हेयर स्टाइल करते हैं ना तो बहुत अच्छे से हो पाती है। तो ये टॉप टू ईयर का निकाला हमने, फ्रंट वी सेक्शन निकाला, देन टॉप टू ईयर बैक के निकाल रहे हैं। देन आप देखिएगा कि मैं किस तरह से जो है वो पौनी बना रही हूँ। ये जो भी हेयर है मैं उनमें सेक्शन क्लिप लगाती जा रही हूँ, एक एक सेक्शन हम निकाल रहे हैं। देन मैंने यहाँ पे चार सेक्शन निकाले हैं, चार सेक्शनों में हमें पौनी बनानी है। और अच्छे से आप कॉम करेंगे देन पौनी बनाएंगे। तो इस तरह से क्या होता है ना कि आपके हेयर अगर की लंबाई कम है तो इस तरह पौनी बनाते नीचे लॉन्ग रहेगा, देन शॉर्ट हो जाएगा, देन ऊपर और शॉर्ट हो जाएगा। देन हमें इसमें करना क्या है, हमें इसमें कर्ल करनी है जिससे कि हैवीनेस नज़र आ जाए। खुद के हेयर्स पे भी आपको कोई एक्सटेंशन लगाने की नीड नहीं होगी, खुद के हेयर्स पे ही आप अच्छे से हेयर स्टाइल कर सकते हो। तो यहाँ मैं आज जो रबड़ लगा रही हूँ, विदाउट पिंस कैसे लगाते हैं वो इसलिए लगा रही हूँ, क्योंकि अगर हम कम हेयर में पिन का यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा उनके पेन होगा, क्योंकि हमें क्लाइंट का भी ध्यान रखना होता है कि उनके ज़्यादा पिंस नहीं लगा सकते क्योंकि उनके पेन होगा। इसलिए आपको कम पिनों का यूज़ करना है, ज़्यादा पिनों का यूज़ नहीं करना है। आपको इस तरह से चार पौनी बना लेनी है। चार पौनी आप देख सकते हो क्लाइंट के हेयर की डेंसिटी, कि उनके हेयर थिक हैं या जैसे भी हैं। अगर हैवी हैं तो आप चार पौनी बना सकते हो, अगर किसी के हेयर लो हैं तो आप तीन पौनी भी बना सकते हो। तो यह आप उनके क्लाइंट के हेयर को देखोगे कि उनके हेयर कैसे हैं, तभी आप पौनी बनाओगे। अगर ज़्यादा हेयर हैं तो ज़्यादा पौनी बनाओगे, कम हेयर है तो कम पौनी बनाओगे। तो इस तरह से हम पौनी बना लिया है और हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। सेक्शन आपको नीट एंड क्लीन निकालना है, आपका ऐसा ना हो कहीं से भी आप हेयर ले रहे हो। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि सेक्शनिंग जो है वो अच्छे से निकालेंगे। आप देख सकते हो मेरी चार पौनी ये कंप्लीट हो चुकी हैं। और चार पौनी में आपको करना क्या है कि आपको कर्ल करनी है, देन हल्की सी आपको बैक कॉमिंग देनी है, और बैक कॉमिंग करने के बाद में आपको कर्ल देना है। कर्ल जो मैं दे रही हूँ वो नीचे के कम हेयर थे, इसलिए उन वाले हेयर्स में मैं सिर्फ दो कर्ल बनाऊँगी। देन ऊपर जाते जाते आप देख लेंगे कि उनके हेयर कम है या ज़्यादा है, तो ऐसे ही कर्लिंग की जो लेयर आप लोगे वो ज़्यादा करते हुए जाओगे। यहाँ मैंने दो लिया है तो देन ऊपर मैंने तीन लिया था, फिर चार लिया था, फिर तीन लिया था। तो इस तरह से मैंने बहुत सारे कर्ल्स बना लिए थे, क्योंकि जितने कर्ल्स होंगे उतने ही आपके हेयर स्टाइलिंग में जो है ना हैवीनेस दिखाई देगी, और जितनी हैवीनेस दिखाई देगी उतनी ही हेयर स्टाइल जो है वो बेस्ट लगेगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि जो कर्लिंग कर रहे हो वो ज़्यादा करें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। वैसे भी अगर ज़्यादा, अगर आप सोचो कि ये एक पौनी और एक पौनी में हम एक ही कर्ल बना दें, तो वो टोंग मशीन से जो है कर्ल नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा हैवी हेयर्स हो जाएंगे और वो अच्छा भी नहीं लगेगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि पौनी जो है वो कम, जितना पौनी में लेयर्स निकालोगे उतना ही कर्ल अच्छा लगेगा। इस तरह से आपको करने से ना, अब आप देख सकते हो कि नीचे की पौनी नीचे है तो वो कितना लॉन्ग रहेगी। तो इस तरह से आपके अगर शॉर्ट हेयर हैं तो उन्हें लॉन्ग करने पे ये चीज़ का फॉर्मूला है कि आपके हेयर जो है वो लॉन्ग लगेंगे। नीचे देखिएगा कि मैंने दो लेयर निकाली थी देन कर्ल करा था। क्या होता है कि आप लेयर को ओपन करना भी बहुत ज़रूरी होता है, कि अगर ओपन करोगे तो उसमें भी हैवीनेस दिखाई देगी, क्योंकि हेयर स्टाइल का मेन पर्पस ये होता है कि उनके हेयर्स कम होते हैं तो उन्हें आप किस तरह से हैवीनेस दिखा सकते हो और कितना खूबसूरत दिखा सकते हो। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, आपके पास क्लाइंट इसीलिए आ रहा है कि आप उन्हें खूबसूरत बनाओ, ठीक है। तो आपको भी चॉइस होना चाहिए कि आप, जैसे कि बहुत से होते ना कि हमें ओपन नहीं कराने, पर हेयर स्टाइलिंग भी ओपन जैसी चाहिए, कि हमारे फ्रंट पे बाल नहीं आने चाहिए, इधर उधर नहीं जाने चाहिए।
तो ये इस तरह की हेयर स्टाइल है कि आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि हमारे सारे हेयर हमारे शोल्डर्स पे पड़े हुए हैं, ये पौनी भी बनी हुई है देन ओपन हेयर स्टाइल भी है। तो ये एक अच्छा है कि क्लाइंट आप जैसे रिकमेंड कर रहा है तो उस तरह से आप क्लाइंट का वर्क कर सकें। तो इसीलिए मैं डिफरेंट डिफरेंट हेयर स्टाइल जो है वो आप लोग के लिए लेकर आती हूँ कि जिससे कि आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें सीख पाएँ। इस तरह से मैं ये जो लेयर है इसमें मैंने 3 से 4 कर्ल निकाले हैं। ऊपर जो लेयर है मैंने उसमें आप लोग को नहीं दिखाया है, सिर्फ इस तरह से ही पौनियों में आपको कर्लिंग करनी है। वो मैंने इसलिए नहीं दिखाया है क्योंकि अगर मैं ज़्यादा दिखाती तो मेरी वीडियो जो है कुछ ज़्यादा लॉन्ग हो जाती, फिर आपको बोरिंग लगता क्योंकि सेम काम देखोगे तो आप स्क्रिप्ट कर दोगे। इतना ही आप समझ जाओ कि मैं किस तरह से कर्ल कर रही हूँ। कर्ल दोनों तरफ से आपको इन में ही करना है, आउट में बिल्कुल भी नहीं करना है। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना है क्योंकि कर्ल हमेशा इन में ही होने चाहिए, आउट में नहीं होने चाहिए। अगर आपने मेरी आपको कर्लिंग के बारे में नॉलेज नहीं है तो मैंने कर्लिंग की भी वीडियो डाली हुई है, आप वहाँ जाके देख सकते हो किस तरह से कर्ल की वीडियो बनाई जाती है, तो आप बहुत कुछ वहाँ से सीख पाओगे। तो आप अगर देखना चाहते हो तो मेरी और वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है, वहाँ जाके आप देख सकते हो। आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे भी जाके चेक कर सकते हो, मैं छोटी छोटी क्लिप्स वहाँ पे भी डालती रहती हूँ और लाइव आती रहती हूँ। वहाँ मेरा चैनल है नीलम मेकओवर 447। मेरा दोनों में सेम है, यूट्यूब पे भी और इंस्टा पे भी, सिर्फ डिफरेंट ये है कि 447 है लास्ट में। तो आप इस तरह से देख सकते हो कि कितने खूबसूरत तरीके से कितने हैवी दिखाई दे रहा है। अगर आप ओपन नहीं करोगे, मैंने बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट को देखा है कि वो कर्ल्स को ओपन नहीं करते हैं, सिर्फ वो बहुत कम फिर हेयर दिखाई देते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते हैं। अगर आपको प्रोफेशनल तरीका सीखना है तो आप कर्ल्स को जो ओपन ज़रूर करेंगे, ओपन करने से जो है बहुत हैवी लुक दिखाई देता है हमारा और कर्ल्स भी अच्छे लगते हैं। आप देख सकते हो कि विदाउट खोलने के बाद में कैसे हैं और खोलने से पहले कैसे हैं, तो आपको डिफरेंस जो है वो पता चल जाएगा कि किस तरह का डिफरेंस है। तो इस तरह से आप सारे जो भी पौनी बनाई है ना, मैंने थर्ड पौनी में बना लिया था, देन फोर्थ जो पौनी थी उसमें मैंने हाई पौनी करने के लिए डोनेट से एक लेयर निकाली थी, सीजर से कट करने के बाद उसे फोल्ड करा, देन उसे मैंने पौनी के नीचे जो है फोल्ड कर दिया था। वो इसलिए करा था क्योंकि मुझे जो पौनी फ्रंट वाली थी ना, जो ऊपर चौथी पौनी थी, उसे मुझे हाई लेके जाना था, देन यू पिन की हेल्प से मैंने वो अटैच कर दिया था। आप इस तरह से अटैच कर देंगे तो बहुत अच्छे से आपकी पौनी का जो लुक है ना फ्रंट का, वो बहुत दिखाई देगा। आपको इतना बैक कॉमिंग करने का भी ज़रूरत नहीं रहेगा और ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हैवीनेस भी आपको दिखाई देगी। आप इस तरह से सारे हेयर्स में एक बारी बैक कॉमिंग कर लें, हल्की सी, ज़्यादा नहीं, और स्प्रे करने के बाद में देन फैला दें। आप देख सकते हो कि जो डोनेट था वो आपको दिखाई नहीं देगा। आप इस तरह से भी कर सकते हो, इस तरह से भी नहीं, इस तरह से ही करना है आपको, और आप देख सकते हो जो उसका हाई कितना लेवल हो चुका है। ज़रूरी नहीं है कि आप इतनी बैक कॉमिंग दो कि वो इतना हाई जाए, एक नॉर्मल आप कर सकते हो। देन आपको वहाँ पे भी सेक्शनिंग निकालनी है और सेक्शन निकालने के बाद में आपको कर्ल करनी है। वहाँ भी आप 3 या 4 सेक्शन निकाल सकते हो, आप हेयर को देखोगे देन सेक्शन निकालोगे। सेक्शनिंग इतने प्यार से निकालोगे कि ऊपर से जो हमने डोनेट के ऊपर जो हेयर हैं वो उसमें लाइन्स क्रिएट ना हो, वो सारे के सारे सेम दिखाई दें। तो इस तरह का भी आप देखोगे कि सारे सेम नज़र आएँ, ज़्यादा बेब नज़र नहीं आए, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो और 4 आप सेक्शन निकालोगे देन सारे में आप कर्ल कर दोगे और फिर कर्ल्स को आपको ओपन करना है। अब आपको मेन जो पार्ट है वो फ्रंट का है, तो इसलिए वीडियो जो स्क्रिप्ट नहीं करना क्योंकि फ्रंट का हेयर स्टाइलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फेस फ्रेमिंग अच्छे से जितने अच्छे से होती है ना उतने अच्छे से आपका फेस लगता है, देन आप अच्छे लगते हो। तो यहाँ पे मैंने जो है सारे हेयर्स में कर्ल कर दिए हैं, देन मैं वहाँ ओपन कर दूँगी। तो सिर्फ बैक से आपको यही करना है, पौनियाँ बनानी है, देन कर्ल करना है, ओपन करना है और लास्ट वाले में डोनेट लगाना है। तो आप देख सकते हो कि कितने हैवी हेयर उनके दिखाई दे रहे हैं, इतने हैवी हेयर, ऐसे लग रहा है जैसे कि मैंने हेयर एक्सटेंशन यूज़ किया हुआ है, पर ऐसा नहीं है, उनके वो रियल हेयर हैं और कितना हैवीनेस दिखाई दे रहा है। तो आप ये एंगेजमेंट के ऊपर भी दे सकते हो, नॉर्मल पार्टी मेकअप अगर कोई आता है, कोई हैवी लुक चाहिए उन्हें, तो आप उन्हें भी दे सकते हो। अब आप दे सकते हो, मैं बी सेक्शन जो था उसमें मैं 3 पार्ट डिवाइड करूँगी और 3 पार्ट में मैंने बैक कॉमिंग करके, अच्छे से बैक कॉमिंग करके हम फ्रंट का हेयर स्टाइलिंग बनाएंगे। बैक कॉमिंग करने के बाद में हेयर स्प्रे आपको अच्छे से यूज़ करना है,
देन पार्ट आपको तीन निकालने चार निकालने वो आप देख सकते हो उनके हेयर के। मेरी जो मॉडल थी उनके हेयर जो थे वो काफ़ी कम थे तो इसलिए मैंने तीन सेक्शन में निकाला। देन आप फेस फ्रेमिंग के लिए भी हेयर जो है अच्छे से निकालोगे और साथ में जब आप बैक कॉमिंग करके हेयर स्प्रे डालते हो तो अच्छे से ना हेयर को फैला लीजिएगा। फैलाने से क्या होता है कि वो सारे में मर्च हो जाता है, जो भी हमने सेक्शन निकाला ना वो दिखाई नहीं देता है। ठीक है, बी सेक्शन हम जो फ्रंट का पफ जो बनाते हैं ना उसके लिए हमेशा बी सेक्शन लेते हैं क्योंकि बी सेक्शन से अच्छे से निकलता है। यहाँ मैं फेस फ्रेमिंग के हेयर निकाल रही थी। देन आपको कॉम जो है वो हल्के हल्के हाथों से करना है और हल्के हल्के हाथों से करने के बाद में वहाँ पे आपको पिंस लगा देनी है। आप देख सकते हो कितने अच्छे से पफ दिखाई दिया है। आप पफ जब बनाते हो तो मतलब क्लाइंट का फेस देखोगे कि उनका फेस कितना है, ज़्यादा हाई लेके नहीं जाओगे। अगर आप चाहते हो कि लेयरिंग निकालनी है तो आप लेयरिंग भी निकाल सकते हो। देन आप देखिएगा मैंने साइड का लिया है और दो पार्ट में डिवाइड दिया है, कॉम करा है और देन ऊपर की तरफ स्प्रेड करा है। जब आप साइड का करते हो ना तो पफ जो बना है वो और साइड वाला जब आप बना रहे होते हो दोनों में लाइंस क्रिएट नहीं होनी चाहिए, दोनों ऐसे लगना चाहिए देखने वाले में कि हमने एक साथ दोनों को क्रिएट करा है। जब हमारा बीच का पार्ट जहाँ मैं कॉम चला रही थी वहाँ पर इस तरह नहीं लगना चाहिए कि हमने अलग अलग से बनाया है और वहाँ से थोड़ा अलग लगे, वैसा बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। अगर आपको लेयरिंग निकालनी है तो आप लेयरिंग निकाल सकते हो, अगर आपको लेयरिंग नहीं निकालनी है तो आप लेयरिंग नहीं निकाल सकते हो। जो भी बेबी हेयर्स हैं आप उन्हें हेयर स्प्रे डाल के देन अच्छे से कॉम कर सकते हो। इसी तरीके से आपको साइड का करना है और ये मैंने फेस फ्रेमिंग के लिए हेयर निकाले हुए हैं। जब तक आप फेस फ्रेमिंग के लिए हेयर अच्छे से नहीं निकालते हो तो हेयर जो है आगे से फेस अच्छा नहीं लगता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। पहले का टाइम था कि आप ईयर के पास से फेस फ्रेमिंग के लिए हेयर निकाल देते थे पर आप नहीं निकालते हैं क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता है। देन आपको बैक कॉमिंग करनी है, हेयर स्प्रे डालना है और देन आपको अच्छे से कॉम करना है, अच्छे से नहीं फ्रेशनेस करना है, हल्के हाथों से, ज़्यादा टाइट हेयर हाथों से नहीं करोगे कॉम को, बस हल्के हाथों से करना है। देन आपको अच्छे से ले जाने के बाद में पिंस लगा देनी है। ठीक है, आपको इस तरह से करने से क्या होगा कि आपके हेयर जो हैं वो अच्छे से हो पाएंगे। इस तरह से करने से आप पिंस लगा दीजिएगा, आपके पास जो भी हेयर एसेसरीज हो वो आप यूज़ कर सकते हो, जो भी आपके पास हो। जो हमारे बैक में हेयर गए हैं उन्हें आप कर्ल कर दीजिएगा और आपका डोनेट दिखाई ना दे, इस तरह से हेयर को डालिएगा कि आपका डोनेट नहीं दिखाई दे, वो आपके ऊपर है। आपके क्लाइंट को देखने वाले को पता ही ना चले कि इतना हाई वो कैसे गया है। आप वर्क अपना ऐसे करें कि किसी को पता ही नहीं चले कि आपने डोनेट लगाया है, किधर लगाया है, कैसे लगाया, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि डोनेट आपका ना दिखाई दे। इस तरह से आप कर्ल कर देंगे, देन एक्सटेंशन जो भी हो आप वो लगा देंगे। देन आप फ्रंट का जो है फेस फ्रेमिंग के लिए वो कर्ल जो दोगे वो भी आप हेयर की लेंथ के अकॉर्डिंग दोगे। अगर ज़्यादा लेंथ है तब भी आप हेड से जब हेयर स्टार्ट होते हैं ना तो उनमें समथिंग 2 से 3 इंची तक आप गैप रखोगे। ऐसे नहीं सिर्फ स्काल्प से हेयर को वहीं से टोंग मशीन से कर्ल कर दोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ आपका हेयर है वहाँ से नीचे की साइड आप मशीन देखोगे कि मैं किस तरह से कर रही हूँ। हर चीज़ मैं आपको गाइस बताती हूँ, बेसिक टू सारी चीज़ें बताती हूँ आपको किस तरह करना चाहिए। और प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करो वीडियो को, जो लोग पार्लर से रिलेटेड हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट ज़रूर करा करो, देन लाइक भी ज़रूर करा करो और हर वीडियो को मेरी देखा करो तो हमारा भी थोड़ा मोटिवेशन बढ़ता है। और आपको जिस तरह का भी हेयर स्टाइल चाहिए वो हमें कमेंट डाउन करके ज़रूर बताओ तो हम वो भी कोशिश करेंगे आपके लिए लाने की। देन मेरा देखिएगा बैक का जो कर्ल है वो हो चुका है और देखिएगा मैंने जो है कितना हेयर छोड़ा है। देन मैं बाद में कर्लिंग कर रही हूँ और कर्ल करने के बाद में उन्हें अच्छे से खोलूँगी। आज मैंने जो कर्ल करे हैं वो टोंग मशीन से ही करे हैं और आप देख सकते हो कितने अच्छे से आए हैं। और आज मैं एक और आपको बताने वाली हूँ कि आप सेक्शन क्लिप जो होती है ना, छोटी वाली सेक्शन क्लिप स्टील की, उस तरह अपने हेयर्स को किस तरह उठा सकते हो हेयर स्प्रे के हेल्प से, तो वो भी आप देखिएगा। मैंने फ्रंट पे सेक्शन क्लिप लगाई थी, देन उन्हें होल्ड कर दिया था, देन मैंने कर्ल भी ओपन करे थे। आप देख सकते हो ये सेक्शन क्लिप लिए, थोड़ा सा मैंने ब्रॉड करा है, देन मैंने हेयर स्प्रे लगा दिया था। तो वो थोड़ा फेस फ्रेमिंग जितने अच्छे से करोगे गाइज उतना ही बेस्ट लगेगा और आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है उनका फेस। आई होप आपको वीडियो जो है मेरी बहुत अच्छी लगती होंगी, तो प्लीज़ 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 शेयर ज़रूर करा करो मेरी वीडियो को और लाइक भी ज़रूर करा करो।
मैं ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियो आप लोग को लेकर आती रहूँगी। और आप अगर चाहते हो जो मैंने ये जो स्टोन लगाए हैं इनकी जगह आप हेयर एसेसरीज़ भी लगा सकते हो, वो आपकी चॉइस है कि आपको लगाना क्या है। देन मैं आपको हेयर स्टाइलिंग की वीडियो देती रहूँगी, क्योंकि मेरे अभी सलून में जो है हेयर स्टाइलिंग की क्लास चल रही है, इसलिए मैं हेयर स्टाइल की वीडियो आप लोग को अपलोड करती रहती हूँ। तो ऐसे ही प्यार बनाइए रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।